नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की, जहां एक्शन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की कार्रवाई के झलक देखने को मिली। काफी समय से अवैध रूप से कब्जाए जमीन पर प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे को हटवाया गया और उन्हें हिदायत दी गई कि आगे से कोई भी ऐसा कार्य करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। मामला बदायूं की प्रसिद्ध जायदाद के छोटे बड़े सरकार की दरगाह से जुड़ा हुआ है, जहां पर भू माफिया द्वारा काफी सालों से अवैध निर्माण के मामले का प्रकरण चल रहा था। इतना ही नहीं, अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन के बहुत से प्रकरण भी सामने आ रहे थे। सत्ता के नशे में चूर सत्ताधारियों की वजह से इस पर किसी भी बड़े आलाधिकारियों ने ना तो ध्यान दिया और ना ही कोई कार्यवाही की। लेकिन सत्ता के बदलते ही एक्शन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश और कार्यशैली को देखकर प्रशासन भी एक्शन में दिखा। मामला तो प्रशासन की नजर में पहले ही था और किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर प्रशासन ने तुरंत मामले पर संज्ञान लिया और अवैध रूप से कब्जाई जा रही जमीन पर रोक लगा दी। अब भू माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला और है, जिसमें समाजवादी के पूर्व विधायक आबिद रजा पर सोत नदी पर अवैध रूप से जमीन कब्जा कर उस पर मैरिज लॉन बनाने का आरोप है। लोगों के बीच चर्चा का विशेष विषय बना हुआ है। आपको बता दें, यह वही आबिद रजा है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव पर बड़े संगीन आरोप लगाए थे। तभी समाजवादी पार्टी द्वारा इनको तत्काल निष्कासित कर दिया गया था। उसी समय इनके द्वारा अवैध रूप से कब्जाई जमीन के मामले को लेकर रिपोर्ट की गई थी और उसी समय तत्काल निर्माण और जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद सपा विधायक की वापसी समाजवादी पार्टी में हो गई और फिर इस मामले को दबा दिया गया। बताते हैं कि उस मैरिज लॉन में लगभग 80 लाख रुपए निर्माण कार्य में लग चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर योगी सरकार में इन सभी भू माफियाओं पर क्या कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन है उस पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। ये सूचना मिली कि अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बड़ी सरकार के पास कब्जिस्तान की जमीन है, उस पर दुकान का निर्माण हो रहा है, लेबर मौजूद थे, मौके पर पूरा सर्च करवा दिया। और आगे भी जैसे और भी कब्जे हैं, अवैध किस तरह की कार्रवाई होगी सर? अवैध कब्जों जितने अवैध कब्जे हैं सब दुरुस्त करवाई जाएंगे। अच्छा सर, ये भी है सोत नदी में भी कहीं प्रकरण चल रहा है अवैध कब्जे को लेकर, आपकी तरफ सर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उस पर भी कार्रवाई चल रही है, जाँच करवा कर। सर यहाँ पे अवैध कब्जे ज़्यादातर अवैध ही है, कब्जे हैं कोई लीगल दुकान भी नहीं है, उस पर क्या कार्रवाई है? उस पर सब मतलब आज निगाह में आया है, आज एक ध्वज करवाया है, मैंने पैदल चल करके देखा भी और सबकी जांच करके भी करवाया। यूपी सरकार गरीबों को लेकर चाहे जो दावे करती रही हो लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ताजा मामला यूपी के मैनपुरी का है, जहां एक दंपति ने गरीबी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही आसपास के लोगों को जानकारी मिली तो वो उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही दंपतियों ने दम तोड़ दिया। पड़ोसियों ने बताया कि 50 वर्ष से अशीन अपनी पत्नी रहीसन के साथ मेहनत मजदूरी करके अपने 6 बच्चों का पालन पोषण करता था, लेकिन मजदूरी से उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। कोई अन्य मदद ना मिलने से उसका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका था। माना जा रहा है कि इसी तंगी के चलते मजबूरी में दंपति ने कदम उठाया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। नाम आपका? वकील अहमद। कैसे हो गया ये सब? जी रात के 11 बजे के जहर खा के खुद आत्महत्या कर ली है, गरीब की वजह से। लड़की शादी लाए, 2 बच्चे छोटे छोटे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।